सबसे पहले आपको इंदौर से आकर तांडव दिखाएंगे, जहां देर रात बंगले में भीषण आग लगी। कई घंटों बाद आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। कनाडिया थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। तो तस्वीर आप देखिए, आके टांडव की IPC 24 पर सबसे पहले ये भीषण आग की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और सबसे पहले ये भीषण आग की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस तस्वीर को देख कर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी ज्यादा भीषण थी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है, लेकिन पूरी तरीके से अभी आग लगने का कारण अज्ञात है। शॉर्ट सर्किट लगने से हालांकि आशंका फिलहाल जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल जो है कनाडिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। और बताया ये जा रहा है कि घंटों तक यहाँ पर आग लगी है। देर रात बंगले में ये भीषण आग लगी, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो देर रात की पूरी घटना है और कई घंटों बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि कई घंटों तक लगातार आग बुझाने की कोशिश की जा रही थी, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। तो शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले की जाँच के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर इतनी भीषण आग क्यों लगी थी। IBC 24 पर सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देर रात की पूरी घटना है, जहां बंगले में भीषण आग लगी है और कई घंटों बाद आग पर काबू पाया गया कड़ी मशक्कत के बाद। तो शॉर्ट सर्किट से फिलहाल यह आशंका जताई जा रही है कि आग लगी होगी, लेकिन जांच पड़ताल के बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा और कनाडिया थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। तो बंगले में आप देख सकते हैं कि भीषण आग लगी और आके टांडव की तस्वीर लगातार आपको IBC 24 पर टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। देर रात बंगले में ये भीषण आग लगी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशुल, फिलहाल ये आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है, कोई खुलासा हो पाए इस पर अब तक? जी, आपको बता दूं कि फिलहाल इस पूरे मामले में जो है पुलिस के साथ ही फायर ब्रिगेड भी जो है जांच कर रही है पूरे मामले के, और इसमें ये पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं कि जो आग लगी थी इसका कारण क्या था। हालांकि देर रात जो बंगले में भीषण आग लगी थी उस पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन फायर ब्रिगेड कर्मचारियों के मुताबिक धुएं के कारण आग बुझाने में कई दिक्कतों का भी जो है सामना करना पड़ा, और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को बंगले के कांच फोड़ करके बंगले के अंदर आग बुझाने के प्रयास करना पड़े। हालांकि फिलहाल शॉर्ट सर्किट इसकी वजह जरूर बताई जा रही है, लेकिन फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों का साफ कहना है कि अंदर ज्वलनशील ऐसे पदार्थ रखे गए थे जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में धुआं होता, और उस धुएं के कारण कई फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वह भी परेशान हुए थे। फिलहाल पूरे मामले की जांच जो है वो पुलिस के द्वारा भी की जा रही है। जी अंशुल, कितना नुकसान इससे हुआ है, इस बात की जानकारी सामने आई है अब तक? जी बिल्कुल, बता दें कि एक बंगला था और इंदौर के एक उद्योगपति जो है उनका ये पूरा बंगला बताया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि उस बंगले को उन्होंने बड़ी ही सतह से तैयार भी कराया था, जिसमें कई प्रकार के महंगे सामानों का उपयोग किया गया था। हालांकि नुकसान का जो आकलन है वह फिलहाल पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, और पूरी जांच होने के बाद ही पूरे नुकसान का आकलन जो है वह सामने आ पाएगा। जी अंशुल, ये भी जानना चाहते हैं आपसे, क्या ये पूरा इलाका जो रिहायशी इलाका था, आसपास घर या दुकानें थी, क्या वो भी इनकी चपेट में आई है? नहीं, फिलहाल तो इस पूरे मामले में सिर्फ जो बंगला था उसी में आग लगने की बात सामने आई थी, और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो जो रहवासी इलाका है उसमें एक बड़ा हादसा जरूर जो है वो हो सकता था। बहरहाल फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि ये आग लगने के कारण क्या है, और इनके कारणों की जांच जो है वो यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल अंशुल, तो राहत की बात तो ये कि फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।